नमस्कार दोस्तों, मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नैन डायरी फार्म पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों तक पहुँच सके। तो ये देखिए, जो आज की वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, तो आप सभी जो जानते भी हो सुखबीर डांडा भाई साहब को जो लुधियाने से है, तो उन्होंने जो अपना नया डेयरी फार्म बनाया आप देख पा रहे हो जो ये पीछे डेयरी फार्म, और जो बिल्कुल ये यहाँ पे आप देख पाओगे भाई जी ने अपना नया जो मकान बनाया है साथ में, तो पूरी डिटेल लेंगे भाई जी से। डेयरी फार्म है जो कितनी जगह में बना है और जो बैठक है वो भी आपको दिखाएंगे, काफ़ी शानदार बैठक भी बनाई है। अगर बात करें तो ये देखिए सामने से आप देख पाओगे जो भाई जी ने नाम लिखा है बार राम मेर डांडा, काफ़ी शानदार ये यहाँ से जो ऊपर सीढ़ी चढ़ाई हुई है, तो ये देखिए जो काफ़ी शानदार स्टाइल भाई जी ने बिल्कुल एक नए तरीके से डेयरी फार्म शुरू किया। आप देख सकते हो ये यहाँ पर जो बैठक बनाई गई है, तो अब डांडा भाई साहब से मिलाएंगे आपको। तो राम राम भाई साहब, सुखबीर भाई जी। तो सुखबीर भाई जी, आपने अपना नया डेयरी फार्म बनाया, तो बधाई हो आपको इसके लिए। धन्यवाद भाई काला राम। तो अभी यहाँ पे पशु कितने दिनों बाद लियाने का? महीना डेढ़ महीना लगेगा भाई जी। महीना डेढ़ महीना लगे तो लगभग नए आओगे, ले लो तीन एक पशु है तो। हाँ जी, जो इतने की जगह बनाई है उससे अब तो नए पशु आओगे, साथ में साथ सेल में भी चले जाएंगे। तो जो अपना डेयरी फार्म है ये कितनी बाई कितनी जगह में यानी आपने शुरू किया भाई जी? ये सारा आधा किला छाप दिया। आधा किला के? आधा किला छाप दिया। मैं पशु वाला का लगावा तो यो 90x120 का हो गया। हाँ जी, 121 का लगा लो, 10 फुट पीछे 131 है। आगे ये मकान का हो जाएगा, ये पारा काला सिस्टम हो जाएगा। तो ये देखिए भाई जी ने बताया जो पीछे ये डेयरी बनाई हुई है और ये साथ में ही मकान भी शुरू किया हुआ है भाई जी ने, यहाँ पर पार्क बनाने की जो भाई जी ने सोची हुई है। तो आगे जो भाई जी आपने बताया था कि जो मेन गेट भी बनाना है। हाँ बनावा है भाई, देखो कि मैं पीछे रहेंगे जब बनावा। तो देखिए भाई जी ने बताया कि जो भाई जी के पास बनावांगे थोड़ा है, यो एक काम साथ केवरा रुकेगा कि नहीं रुकेगा वो तो देखो दिखा टाइम की बात से, ब्याह प्रोग्राम के बाद में फिर देखो शादी। हाँ। करने का प्रोग्राम है अभी। हाँ हाँ। तो ये देखिए जो भाई जी की लड़की है उसकी शादी भी करनी है। अगर आपको अंदर से दिखाएं तो पूरी डायरी की भाई जी के साथ साथ लेंगे, तो ये देखिए यहाँ से जो अंदर डायरी में भी जा सकते हो और ये बैठक भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी बनाई हुई है भाई जी ने। ये देखिए अंदर आप देख पाओगे जो दो बेड साथ में लगाए हैं, और ये देखिए यहाँ पर आप देख पाओगे जो LED पैनल भाई जी ने लगाया है। तो सुखबीर भाई जी से जानेंगे तो बैठक कितनी बाई कितनी जगह में बनाई है। सुखबीर भाई साहब एक बार आइयो। तो ये जो LED पैनल आप देख पा रहे हो जो सुखबीर भाई से जानेंगे कि, तो सुखबीर भाई साहब जो ये अपनी बैठक है ये कितने बाई कितने में या साइज इसका कितना है? या अंदर के अंदर तो 20x25 का भाई, आगे ये 10x20 का बरामदा हो गया। जो 12 का बरामदा वो 10x20 का, और बैठक का 20x25 की। तो ये देखिए जो दो यहाँ पर बेड लगाए हुए हैं भाई जी ने, और काफ़ी अभी जो काम चालू है ये देखिए, तो जो छत है इसकी वो छत कितने पे लगाई है भाई जी? 1200 फुट पे है। तो ये देखिए जो बैठक के अंदर आने का गेट इधर से हो गया, और जो इसी साइड से आप देख पाओगे ये देखिए काफ़ी अच्छा जो LED पैनल भी लगाया भाई जी ने, यहाँ से जो पैसों की जो बरामदे में भी यहीं से आ सकते हो डेयरी में आप। ये देखिए जो छोटा गेट वो डेयरी की तरफ लगाया हुआ भाई जी ने। तो ये देखिए जो डेयरी आप देख पाओगे साथ ही साथ में जो पेंट का भी काम चला हुआ है काफ़ी अच्छा। तो ये देखिए जो टुकड़ी भी लगाई है भाई जी ने साथ में। तो जो ये बरामदा का कितना साइज लिया भाई जी? जो 25x50 का भाई। 25x50 का। हाँ। यानी दोनों साइड पशु बंधेंगे इसमें। हाँ। तो ये आप देख सकते हो जो इस साइड भी गमाण यानी खुरली बनाई हुई है, और पीछे की तरफ भी ये देखिए जो अंदर भी टुकड़ी लगाई हुई है इनके, ये देखिए सामने भी टुकड़ी है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा स्टाइल लिया है। जो बांधने का ये कुंडे लगाए हैं भाई जी ने, इनसे जानकारी लेंगे। तो भाई ये जो कुंडे लगाए हैं कड़े नहीं लगाए, तो इनका क्या कोई फर्क है? हाँ
तो ये देखिए जो भाई ने बताया कि इस कड़े में और जो इस कुंडे में फर्क ये है कि पशु का सींग फंसाने का जो काफ़ी फर्क रहता है, तो जो ये अंदर से आपने गमैन है ये नीचे से गोलाई में लिया, इसका भी कोई इसका मुँह काला भाई गुड़ाई तो जिस तरह पशु अगर तूड़ी ताड़ी डालना दाना दुना डालना हो साइड में रहो कोई नहीं, बीच में आ जाएगा और बीच में तो पशु अपना खा लेगा, बीच में अच्छे तरीके से यानी बढ़िया से रहेगा पशु। और जो इसमें अपने अलग नए तरीके से क्या लगाया? कुछ नहीं अलग नए तरीके से, जो सारे तो ऊपर ये पत्थर लगाया। हाँ ये पत्थर है भाई। तो ये देखिए पत्थर लगा के जो पेंट करके काफ़ी शानदार पेंटिंग की हुई है, और यहाँ पर जो साथ की साथ आप देख पा रहे हो जो इन दीवारों पे पुट्टी पुट्टी हुई है, और वहाँ पर आप देख पाओगे जो कलर का काम है वो साथ की साथ चले हुआ है। तो ये जो साथ की साथ यहाँ पे जो दो टूंटी भी लगाई है पानी के लिए, तो ये दोनों पानी के फर्श वगैरह धोने के लिए भाई ये इस कुंड में गोबर गैस से प्लांट लगाना है। और ये हाँ और ये यहाँ फर्श मैटर वगैरह धोने के लिए। तो ये देखिए जो पशुओं के भी दो गेट लगाए हैं आप देख पाओगे उस साइड और एक इस साइड, इसमें जो ज़्यादातर खुले गेट छोड़े जाते हैं वो नहीं है, तो इसमें छोटे गेट का भी कोई सोच समझ गए भाई जी ने लगाया है। देखो काला भाई ये बंद अंदर तो बंद करे ताला लगाया अपने कमरे में आराम तो सो जो कि भाई खुला नू को नहीं करे आजकल सो सिस्टम है आप अपने रात में भी मच्छर दिन में भी करा फायदा के मच्छरदानी में भी तो मच्छर का तो स्त्रियाँ पे खुला हो गया सारा, इसमें सारा जाली लगा देंगे स्टील वाली तो चाहे पशु अंदर भी रह जाए गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं, मच्छर मक्खी का काफी फर्क रहेगा। और ये देखिए जो अंदर की आप देख पाओगे काफी खुला डुला जो भाई जी ने बनाया, यहीं पर जो पशुओं का तालाब भी बनाया है, और यहाँ पर ये तूड़ी का जो स्टोर बनाया है, तो तूड़ी का स्टोर है जो ये कितने बाई कितने का बनाया भाई साहब? 20x20 का भाई। तो ये देखिए जो तूड़ी का स्टोर आप देख पाओगे 20x20 का भाई जी ने बनवाया है, ये इसमें नीचे जो ये इसकी डूंगा कितना कर भाई जी है? 4 फुट रह गया होगा, 5 कर 4 साढ़े 4 होगा। और आपके अंदाजा से इसमें लगभग कितनी ट्रैली तूड़ी आ जाएगी? अभी लग डाली नहीं है। तो ये नीचे ये देखिए टुकड़ी भी तूड़ी वाले स्टोर में भी टुकड़ी लगाई है भाई जी ने नीचे, तो भाई तूड़ी सेम को नहीं पकड़ेगी चलो तो ये देखिए जो टुकड़ी नीचे लगाने का भाई जी ने कारण बताया कि नीचे से जो तूड़ी है वो खराब नहीं हो पाएगी, इस करके तूड़ी लगाई है। तो ये यहाँ आगे क्या बनाया भाई साहब? ये गेहूँ की टंकी टूंकी, ये फीड यानी फीड स्टोर बनाया आपने? तो ये देखिए ये फीड स्टोर आप देख पाओगे, और यहाँ पे बिल्कुल जो हर जगह अलग अलग स्टाइल की आप टुकड़ी देख पाओगे। ये देखिए जो यहाँ पे बिजली वाली ईंटें हैं उनका जो भाई जी ने फर्श लगाया आप देख पाओगे काफ़ी स्टाइल, फर्श का भी भाई जी ने काफ़ी अच्छा स्टाइल रखा है। और ये तालाब देख सकते हो, तालाब के चारों तरफ ग्रिल लगाई हुई है, और काफ़ी अच्छा ये जो पेंटिंग भी की हुई है भाई जी ने। और ये देखिए पीछे का जो आप देख पाओगे जो यहाँ पर पीछे गेट छोड़ा गया भाई जी के द्वारा, और ये भी काफ़ी ये देखिए जो पुरानी यादगार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आप देख पाओगे। देखिए काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर कवर भाई जी से पूछेंगे कि जो यहाँ पर है वो कितनी जगह है ये पीछे भाई जी ने छोड़ दी है आप देख पाओगे। ये पुराने हल देख सकते हो, ये जो दो भाई जी ने यहाँ पर इनको भी अपनी डायरी में रखेंगे ताकि डायरी की शोभा बढ़े। और जो यहाँ पर आप बैल से जोतने वाले फाड़े भी देख सकते हो, और जो हमारे साथ ये भाई जगमेल सिंह कैरो भी आया देबण से, तो भाई जी का फार्म कैसा लगा आपको भाई? बहुत बढ़िया लगा भाई, बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया डिजाइनदार फार्म है, बहुत बढ़िया डिजाइनदार फार्म है इसका, काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा है नीचे से लेके ऊपर तक एक हर एक चीज सोच समझ के अगला ने बहुत बढ़िया बना रखा भाई, काफी अच्छी बना, काफी अच्छा लगा रखा आया यहाँ पर, मेरा मन सा खुश हो गया भाई यहाँ देखने के बाद। तो ये देखिए भाई जी ने क्वालिटी, और ये भी है इसके भाई जो बटे रुओ की है यादगार ताजा रखने के लिए, और बिल्कुल बहुत बढ़िया अपने जो आगे आने वाली वीडियो को भी इनके बारे में पता लगेगा भाई क्या चीज रखते थे बडेरू, क्योंकि आजकल तो ट्रैक्टर से और साधन चल पड़े लेकिन ये चीज जो तो साइड में लग गई भाई ने बहुत बढ़िया जो अपने बुजुर्गों की चीजों को संभाल कर रखा, संभाल के रखा यानी पुरानी बुजुर्गों की चीजों को बिल्कुल संभाल के रखा, और अभी डायरी में जो इनको शोभा बढ़ाने के लिए रखा जाएगा। तो ये भाई जी से पूछेंगे कि जो ये सुखवीर भाई साहब ये पीछे कितना भाई कितने की ये पक्का करवाया हुआ है? ये
ये 10 फुट तो छोड़ दिया था पीछे भाई। हाँ जी। तो पादे लग जाएंगे चारों तरफ छोड़ रखी है, परली साइड में उस साइड में तो 5 फुट है। हाँ जी। पीछे या 10 फुट होगी, यानी इससे जो पास में मिट्टी वगैरह लाने में मिट्टी लाने वाला तो जनजते मिट गया भाई, उसमें नहीं मिट्टी तो कटे जाओ रोज रोज लाओ भी पक्का करवा दिया। पक्का करवा दिया। हाँ। तो ये जो पुरानी बुजुर्गों की निशानी है ये भी आपने काफी मन करे है यूज भाई संभाल के रखी है। मन है यूज करे रही है, आप ही ने यूज किया है। हाँ, मतलब यानी 5-4 साल हाल भी आया है बैलों के साथ, शरीर ठीक था बैलों के साथ। हाँ, हाँ, अब तो नहीं चला सकोगे अब तो वे टवर हो गया। हाँ, तो ये देखिए जो काफी खुशी मिजाज के भाई जी, और अंदर तालाब के बारे में भी भाई जी से जानकारी लेंगे। तो ये देखिए जो अंदर पशुओं के लिए तालाब बनाया ताकि जो मुर्रा पशु जो ना वो पानी में रहकर काफी खुश रहता है। तो ये देखिए रंग काफी अच्छा किया है। तो ये सुखबीर भाई साहब ये तालाब कितने बाई कितने का बनाया? 20x20 का हो गया भाई कलर। 20x20 का। हाँ। और इसकी जो गहराई है वह कितनी? 5 फुट है, एक 3 फीट पे लगवा रखे हैं भाई। आप 3-2.5 फुट पानी रखना चाहो तो निकाल दें ऊपर ऊपर का और पानी निकल। यानी अगर कम ज्यादा पानी रखना है तो उस हिसाब से सभी सोच समझ के किया है। और जो ये ग्रीले हैं इनका क्या फायदा भाई साहब है? पशु उड़ता आवे तो बाहर रहता है एकदम कुद्दा को नहीं इसमें इसमें बल्कि पशु को बांधे भी जाएगा अगर कोई नया पशु एंट्री वहां से होगी। तो ये देखिए आप देख सकते हो, और जो वो टेडी पाइप रखी है वो यहाँ पे जो पशुओं को बाहर निकलने के लिए लगा दी जाएगी। और जो यहाँ पर भाई जी ने स्टोर पानी का स्टोरेज का भी बनाया हुआ है, तो सुखबीर यहाँ पे बनाया भाई साहब वो पानी का स्टोर वाला, यानी टंकी है जो ये यहाँ पे नहर के पानी का स्टोर बनाया है वो सुखबीर भाई जी खड़े आप देख सकते हो। ये पशुओं के पानी पिलाने के लिए जो गड़ोई बनाई गई है, और ये पशु बाहर बांधने के लिए बनाए हैं भाई साहब। भाई बांधना तो कम है फिर भी चलो चाहिए कभी बारिश में या कभी चाहिए यूज में, तो उरको बना दी है या वो कड़े लगा दिए। तो ये देखिए जो यहाँ पर बड़े पशुओं को बांधने के लिए ये साथ के साथ काम चला हुआ है, और ये बाहर की जो खुरली बनाई है, और ये पीछे बच्चे को बांधने के लिए पीछे कड़ा बनाया है, और यहाँ पर आप देख पाओगे जो कच्चे की सुविधा पशुओं के लिए ये उनके लिए छोड़ी गई है भाई साहब कच्चा के लिए। तो ये कच्चा के लिए छोड़ी गई है, और ये यहाँ पर पशुओं को जो भाई जी साथ में सेल परचेज का काम भी करते रहते हैं तो उसमें के लिए ये भैंस को उतारने चढ़ाने के लिए बनाया। तो जो ये अलग से दो सरिया या पाइप लगाई है इनका क्या फायदा भाई साहब? इनका नुहा पीछे गाड़ी को लागे गया है गा, बैक आओगी गाड़ी तो इनका एक पाइप और लगा दें भाई, उस लग सीमित रह ले पीछे इस पाड़ा गंदी, यानी ये टूटेगा नहीं फिर उससे। हाँ, हाँ, हाँ। काफी बचत रहेगी। तो ये देखिए जो इसका बनाने का स्टाइल भी आप देख पाओगे ताकि पांव ना फिसले, उसके लिए जो थोड़ी थोड़ी ईंटा बाहर निकाली हुई है तो काफी अच्छा बनाया भाई जी ने। ये यहाँ से जो सीढ़ियाँ ऊपर गई है तो बाहर से भाई जी का एक बार फिर जो कवर करके दिखाएंगे आपको कैसा डेयरी फार्म लग गया। तो भाई जी से भाई का कॉन्टैक्ट नंबर, तो सुखबीर भाई जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताएंगे? 9168-49510-49510। हाँ। तो ये भाई जी का कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये देखिए जो भाई जी की डायरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये देखिए आप जो पूरी डायरी देख सकते हो, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद है।